नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल हो चले हैं। इस पूरे एक साल में दोनों देशों ने भयावह मंजर देखा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। कई देशों ने इस भीषण युद्ध को रोकने का प्रयास किया लेकिन सब असफल रहे क्योंकि ना पुतिन पीछे हटने को तैयार ना ही जेलेंस्की, जिसकी वजह से ये युद्ध हर दिन के साथ दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया। भारत ने इस युद्ध को रुकवाने का पूरा प्रयास किया। जब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एसएनसी भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हालांकि उस वक्त पुतिन ने हामी भरी थी, तब ऐसा लगा था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और दुनिया ने भी धीरे धीरे इस मुद्दे से ध्यान हटा लिया। लेकिन अब एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसे रोके जाने को लेकर बातें होने लगी हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के भारत के किसी भी प्रयास का वो स्वागत करेगा। बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित रूसी नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्वी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर बड़ी बात कही गई और उन्होंने बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये युद्ध रुकना चाहिए और भारत अगर इस तरफ कदम उठाता है तो अमेरिका इसका समर्थन करेगा। किर्वी ने अपने बयान में विस्तार से कहा, मुझे लगता है कि पुतिन के पास युद्ध को रोकने के लिए अभी भी समय है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी प्रयास का समर्थन करूंगा। अमेरिका ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में चल रही लड़ाई खत्म हो सके। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह बात ऐसे समय में कही है जब दुनिया इस युद्ध को रोकने के लिए हर एक प्रयास करने को तैयार है। इसके अलावा किर्बी ने पुतिन पर भी खूब निशाना साधा और उन्होंने अपने बयान में कहा, यूक्रेनी लोगों के साथ क्या हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन है और वह इसे अभी रोक सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के बजाय वो क्रूज मिसाइलों को ऊर्जा और बिजली के बुनियादी ढांचे में दाग रहे हैं। वो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं जिससे यूक्रेनी लोगों की मुसीबत और बढ़े। अब इससे साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका इस युद्ध पर किस तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है और भारत की तरफ निगाहें गड़ाए हुए है और उम्मीद कर रहा है कि पीएम मोदी कुछ उपाय निकालें और युद्ध पर विराम लगे। फिलहाल सुनिए पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस युद्ध को लेकर क्या बातचीत हुई थी। और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारे टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलेटरल संबंध की बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एसएनसी भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है।